सिंधिया के क्षेत्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, और ऐसा बड़ा झटका कि बीजेपी के 3 बार विधायक रह चुके अशोक निकर्जिले सिंह, तेजराज सिंह के जो बेटे हैं, जो खुद जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी मां जिला पंचायत सदस्य, उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। कमलनाथ के सामने कांग्रेस में शामिल हो गए। इसे कांग्रेस अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। आखिर क्या वजह रही? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यादविंद सिंह जब नजर आए, बड़े काफिले के साथ पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने सीधे आरोप ज्योतिराज सिंधिया पर लगा दिए। बोले, जब से सिंधिया आए बीजेपी में, हम जैसे बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो गई। हमारे परिवार ने बीजेपी को खड़ा करने के लिए दिन रात एक किया, और उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि हमें उपेक्षा मिली जब से ज्योतिराज सिंधिया आए। यादविंद सिंह कह रहे हैं, और वो 3 बार विधायक भी रहे हमारे परिवार से। मेरी माता जी जिला पंचायत में अध्यक्ष भी रही। अभी वर्तमान में हम, मैं, मेरी पत्नी और मेरी माँ जिला पंचायत के सदस्य हैं, और हमारा जो परिवार रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेवा की हमारे परिवार ने। परंतु 3 वर्ष लगभग जब से श्री सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में, तब से हमारे जो जिला था अशोकनगर, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उपेक्षा होने लगी, दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगा, भेदभाव होने लगा। यादविंद सिंह कह रहे हैं इस बात को कि उपेक्षा मिली, और 3 साल पहले जब वो आए उसके बाद लगातार हम महाश्री पर चले गए, यही वजह हमने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कमलनाथ भी इस वजह से गदगद है। कमलनाथ इसलिए गदगद है कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई नेता चला जाता है पार्टी छोड़कर, कोई अगर बड़ा नेता भी ना जाए तो बीजेपी कह देती है कांग्रेस में बड़ा संतोष है, या वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़े संदेश के लिए देने की बात इसलिए हो गई क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मिशन चंबल चल रहा है, खासतौर से ज्योतिराज सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र, और दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह उसकी कमाल संभाले हुए हैं। दिग्विजय सिंह लगातार उन क्षेत्रों में दौरा भी कर रहे हैं, तो वहां पर फोकस ये है कि बीजेपी को कैसे झटका दिया जाए, और यही कोशिश है कि जो उपेक्षित हो रहे हैं, खासतौर से पुराने लोग, नए बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों से, ज्योतिराज सिंधिया समर्थकों से, उनको कांग्रेस अपनी तरफ कैसे आकर्षित कर पाए। तो यही वजह है कि सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने में कांग्रेस ने पहला जो है अपना वार कर दिया। यादविंद सिंह शामिल हो गए भारी संख्या में समर्थकों के साथ, और चूंकि ये क्षेत्र ज्योतिराज सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो इसे कांग्रेस जो है अपनी सफलता के तौर पर देख रही है। भोपाल से आप तक एक बार पहुंचा है मैं, इजहार हसन खान ने, आप देख रहे हैं।